आज इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे इंग्लिश सौ मार्क्स की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए एग्जाम देने से पहले आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा तो चलिए एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से समझते हैं तो देखिए पहला आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पहला आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस तो आपका आंसर हो जाएगा इंग्लिश यानी कि यूनाइटेड नेशंस का मेन जो लैंग्वेज है वो क्या है तो आंसर आपका हो जाएगा इंग्लिश। दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर आर रिटेन बाय किसने लिखा है तो आंसर आपका हो जाएगा आर के नारायणन देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक बुक है द बैचलर ऑफ आर्ट्स और दूसरा है द इंग्लिश टीचर आर रिटेन बाई किसने लिखा है तो आर के नारायणन ठीक है तीसरा आपका क्वेश्चन है कि वॉल्ट वीटमैन वाज ए कहाँ के कवि तो आंसर आपका हो जाएगा अमेरिकन पोएट थे चौथा आपका प्रश्न है कि कलर वर्ड इज रिलेटेड टू तो आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटिश इंग्लिश देखिए अमेरिकन में आपका हो जाता है सी ओ एल ओ आर पांचवा क्वेश्चन आपका है कि विच थिंग हैज इन द वो का विलेरी ऑफ इंग्लिश तो आंसर आपका हो जाएगा बोरोइंग छठा प्रश्न डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई इज फ्रॉम ये जो लाइन आपका है कौन सा पोएम का है तो आंसर आपका हो जाएगा माई ग्रैंड मदर्स हाउस सातवां आपका प्रश्न है कि इन द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएटिस इज बेगिंग फॉर आपने जरूर पढ़ा होगा कमला दास माई ग्रैंड मदर हाउस का तो वो क्या मांग रही थी तो आंसर आपका हो जाएगा लव क्वेश्चन नंबर एट की बात करें तो द स्नेक इजिंग हिज शोल्डर मीन्स तो आंसर आपका हो जाएगा स्लीपिंग एंड मैजेस्टिक ग्रेस क्वेश्चन नंबर नाइन इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड सीड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरोब ट्रीज फ्रॉम तो आंसर हो जाएगा स्नेक क्वेश्चन नंबर टेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द बर्निंग हट रेप्टेड तो आंसर आपका हो जाएगा फायर हाइम से लिया गया है बिल्कुल आपको मालूम है क्वेश्चन नंबर इलेवन मैकविटी इज द पेट कैट ऑफ किसका पालतू बिल्ली तो आंसर हो जाएगा टी एस एलियट जी का बारह नंबर द पोएट कंपेयर्स मैकविटी टू कवि ने मैकेटी को कंपेयर किससे किया था तो आंसर आपका हो जाएगा नेपोलियन क्वेश्चन नंबर तेरा द लास्ट खाली स्थान आपका लाइन आर नोन एज सी लाइन्स इज एनेट सनेट आपको मालूम है चौदह ठीक है लाइन्स का पोएम जो आपका होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंद्रह नंबर आपका क्वेश्चन है कि वेयर डज द लेडी लाइ तो आंसर आपका हो जाएगा ग्रेवियार्ड यानी कि कब्र में सोलह नंबर जॉन डॉन डाइड ऑफ ट्यूवर क्यूलिस एट द एज ऑफ तो आंसर हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स सत्रह नंबर होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम कौन सा कविता का ये लाइन है तो आंसर आपका हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सत्रह नंबर आपका क्वेश्चन नंबर अठारह की बात करें तो मेटाफिजिकल पोएट किसे कहा जाता है तो जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन उन्नीस नंबर आपका है कि पीपल्स पोएट वॉल्ट विटमैन को पीपल्स पोएट वॉल्ट विटमैन को बीस नंबर आपका एक रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स बीस नंबर आपका एक रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। ट्वेंटी वन वॉर पोएट रूपर्ट ब्रुक वॉर पोएट किसे कहा जाता है रूपर्ट ब्रुक जी को ट्वेंटी टू सॉन्ग्स एंड सोनेट्स किसने लिखा है तो आंसर आपका हो जाएगा जॉन डॉन ट्वेंटी थ्री लिप्स ऑफ ग्रास देखिए यह अठारह सौ पचपन में प्रकाशित हुआ था किसने लिखा वॉल्ट विटमैन ने ट्वेंटी फोर द एज ऑफ एंजाइटी जो बुक आपका है किसने लिखा है तो डब्ल्यू एस ऑडेजी ने ट्वेंटी फाइव लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ एंसपेंसर किसने लिखा है जॉन किट्स ने ट्वेंटी सिक्स एंड हाइप्रियन किसने लिखा है तो आंसर आपका हो जाएगा जॉन किट्स लैमिया एंड हाइप्रियन किसने जॉन किट्स ने ट्वेंटी सेवन चिल्ड्रेन पोएट किसे कहा जाता है तो वाल्टर डेला मेयर को ट्वेंटी एट द वेस्ट लैंड किसने लिखा है तो आंसर आपका हो जाएगा टी एस एलियट जी ने ट्वेंटी नाइन द वाइट पिकॉक किसने लिखा है तो डी एच लॉरेंस ने द वाइट पिकॉक जो आपका बुक है वो किसने लिखा है डी एच लॉरेंस जी ने तीस नंबर आपका है कि माई लाइफ ब्लड बोथ डिकी इज फ्रॉम ये जो आपका लाइन है वो कौन सा पॉइंट है तो आंसर हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो थर्टी वन द लाइन नॉर द लाइन नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फीटर लव फॉर मी इज फ्रॉम तो आंसर आपका हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो थर्ट थर्टी थ्री आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ऑक्स मी डोज तो आंसर हो जाएगा फोर्टी एकर्स थर्टी फोर चोबो को कॉल्ड नट क्या कहता था ए लव सीक कैट थर्टी फाइव कश्मीर वाज इन्वेडेड बाय खाली आपका है बार्बरियन इन्वेडर्स तो आंसर आपका हो जाएगा वाइट थर्टी सिक्स इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई ये क्या आपका है तो आंसर हो जाएगा ए सैरी वेरी इंपॉर्टेंट थर्टी सेवन भारत इज माई होम और आई हैव ए ड्रीम क्या है तो स्पीच है होम जो स्पीच है किसने दिया डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने और आई हैव ड्रीम किसने दिया है तो मार्टिन लुथर तो है यहाँ से आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है जरूर आने का आपका चांस है जैसे कि अट्ठारह नंबर है मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन मेटाफिजिकल पोएट आध्यात्मिक कवि किसे कहा जाता है तो जॉन डॉन को उन्नीस नंबर पीपल्स पोएट वॉल्ट वीटमैन को थर्टी एट नंबर आपका क्वेश्चन है कि बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ तो आंसर हो जाएगा फोर्टीन यानी कि चौदह साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था थर्टी नाइन डरो सायर्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम कौन सा यूनिवर्सिटी से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फोर्टीन आपका चालीस है फोर्टी नंबर ठोका इज टोल्ड बाई तो आंसर हो जाएगा आंट फोर्टी वन दर्टिस्ट इज रिटेन बाई तो आंसर हो जाएगा सीगा नोया सी फोर्टी टू सेवी रीड्स एट खाली स्थान आपका स्कूल है तो प्राइमरी स्कूल में फिफ्टी फोर फोर्टी थ्री आपका है कि ब्रटेन रसील वाज ए फिलोसफर एंड ए तो आपका आंसर हो जाएगा हिस्टोरियन फोर्टी फोर हु वॉज द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री तो आंसर आपका हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग मुल्क राज आनंद हैड खाली स्थान चिल्ड्रेन है तो आपको बिल्कुल मालूम है आंसर आपका हो जाएगा फोर

तो आपका आंसर हो जाएगा क्या इंडिया पचास नंबर है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एंट द ऑफिस स्प्रिट ऑफ खाली स्थान आपका है तो आंसर हो जाएगा प्रेयरफुल फिफ्टी वन इंडिया ग्लोरीज़ दैट इट इज तो आंसर हो जाएगा इमोवेबल मतलब आपका क्या हो जाता है अद्वितीय यानी कि अपरिवर्तनशील फिफ्टी टू हु यूज टू लिव विद हर ग्रैंड मदर्स तो आंसर आपका हो जाएगा कमला दास फिफ्टी थ्री द न्यू वेरिटी ऑफ इंग्लिश दैट डेवलप्ड इन अमेरिका इज कॉल्ड तो आंसर हो जाएगा अमेरिकन इंग्लिश फिफ्टी फोर आपका है कि सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया तो आंसर हो जाएगा इंग्लिश फिफ्टी फाइव पचपन नंबर इन विच सेंचुरी डिड द इंडियन इंग्लिश पोएट्री बिगिन टू बी रिटेन तो आंसर हो जाएगा उन्नीस सेंचुरी ठीक है फिफ्टी सिक्स मनोहर मालगोनकर बिलोंग टू तो आंसर हो जाएगा इंडिया

टू फ्लीम्स टू प्लेस खाली स्थानीय से गो तो आंसर आपका हो जाएगा ट्वेंटी यानी कि बीस साल पहले सिक्सटी वन मैकविटी इज ए आपको बिल्कुल मालूम है तो आंसर आपका हो जाएगा कैट यानी कि बिल्ली मैक्विटी किसका नाम है तो बिल्ली का सिक्सटी टू मैकविटी इज कॉल्ड मैक्विटी को क्या कहा जाता है द हिडन पाव यानी कि छुपा रिश्ता सिक्सटी थ्री ए सनेट इज ए पोएम ऑफ यानी कि जो सोनेट है वो कितनी लाइन की कविता तो चौदह लाइन की कविता देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए सिक्सटी फोर हाउ मेनी टाइम्स डज द पोएट यूज द वर्ड इंग्लैंड यानी कि कवि ने इंग्लैंड शब्द को कितनी बार यूज किया है तो आंसर आपका हो जाएगा सिक्स टाइम सिक्सटी फाइव मेड एन एपिथीप फॉर द ब्यूटिफुल लेडी तो आंसर हो जाएगा वाल्टर डेला मेयर सिक्सटी सिक्स वाल्टर डेला मेयर न्यू ए हु इज नाउ डेड तो आंसर आपका हो जाएगा लेडी सिक्सटी सेवन जॉन किड्स बिलोंग टू तो आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटेन सिक्सटी एट स्टारविंग थ्रू द लिफलेस वुड इज फ्रॉम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए तो आंसर आपका हो जाएगा नाउ द लिफ्स आर फॉलिंग फास्ट सिक्सटी नाइन हु सीज एवरी एटम ऑफ ब्लर्ड इज द सेम तो आंसर हो जाएगा वॉल्ट विटमैन सत्तर नंबर आपका क्वेश्चन है कि जॉन डॉन इज गोइंग टू खालिग लिविंग इज वाइफ बिहाइंड तो आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी तो ये आपका हो गया सत्तर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी तरह से कीजिएगा ओके और जब भी समय मिले तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ओके धन्यवाद